हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ उत्तराखंड की फेमस रेसिपी घुघुती। ये मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तराखंड में स्पेशल बनाई जाती है। यह गुड़ और आटे से बनती है। यह खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट होती है। वेलकम टू रुचिकास गुड फूड। तो चलिए आज बनाते हैं अपने उत्तराखंड रीजन की घुघुती। सबसे पहले एक पैन में हम 1.5 कटोरी से 2 कटोरी के आसपास पानी डालेंगे। अब हम इसमें अपने स्वाद अनुसार जितना हमें मीठा पसंद है उसके हिसाब से गुड़ डालेंगे। वैसे 250 से 300 ग्राम के आसपास मैंने यहाँ पे गुड़ का यूज़ करा है। इसको हम अच्छे से अब पिघलने देंगे। जब तक गुड़ अच्छे से पिघलता है तब तक आप इसे मीडियम फ्लेम पर रख सकते हैं। यहाँ पे गुड़ हमारा पिघल चुका है। अब आप इसमें एक उबाला दिलाइए अच्छे से और गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और पानी को थोड़ा ठंडा होने दीजिए। अब हम इसके लिए डो लगाते हैं। यहाँ पे हमने 2.5 कटोरी के आसपास गेहूं का आटा लिया है। यहाँ पे गेहूं के आटे का ही यूज़ कीजिएगा। इसमें मैं 2 बड़े चम्मच सूजी डालूँगी और 1 बड़ा चम्मच सौंफ डालूँगी। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच सफ़ेद तिल का यूज़ करेंगे और सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं यहाँ पे 2 से 3 बड़े चम्मच तेल डालूँगी। आप यहाँ पे घी का यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे तेल का यूज़ ही करा है। अब मैं इसको हाथों से अच्छे से मस लूँगी ताकि इसमें मोन आ सके। मैं इसको हाथों से तेल और आटे को अच्छे से मसल लूँगी। हमारा गुड़ का पानी अच्छे से ठंडा हो चुका है। हमें इसे पूरा ठंडा नहीं करना, सिर्फ गुनगुना रखना है। अब हम इसको आटे में धीरे धीरे मिक्स करेंगे। हमें यहाँ पे गुड़ के पानी को सारा का सारा आटे में नहीं डालना है। हम इसे धीरे धीरे डाल के मिक्स करेंगे और आटा गूंदेंगे। हम यहाँ पे धीरे धीरे और पानी का यूज़ करेंगे ताकि गुड़ का पानी आटे में अच्छे से यूज़ हो जाए और वो मिठास अच्छे से आ जाए। आपको यहाँ पे आटा गूंदने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, पर आप धीरे धीरे इसे हाथों से गूंदिए, ये अच्छे से गूंदा जाएगा। आपको यहाँ पे जितनी पानी की आवश्यकता हो उतना ही पानी का यूज़ कीजिएगा। आप इसे धीरे धीरे हाथों से अच्छे से मलिए ताकि डो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। वैसे ये डो थोड़ा सा टाइट होता है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप यहाँ पर ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे पूरे डो के ऊपर और उसको अच्छे से रेस्ट के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट तक। हमारा डो यहाँ पे सेट हो चुका है। हम अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा डो का पोर्शन लेके उसे अपने हाथों के बीच में गोल करेंगे। अब हमें डो को अच्छे से अपने हाथों के दोनों हाथों के बीच में गोल करते हुए लंबे सिलेंड्रिकल शेप में इसको राउंड करना है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे प्लेन सरफेस के ऊपर दोनों हथेलियों से अच्छे से राउंड कर सकते हैं और इसका अच्छे से शेप बना सकते हैं। अब हम इसको एक शेप देंगे। हम यहाँ पे डो को 8 नंबर की शेप में बनाएंगे और नीचे से दोनों सिरों को आपस में जोड़ देंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि ये आपको बनाना कैसे है। यहाँ पे हम इसको 8 शेप में बनाएंगे, 8 नंबर का। 8 नंबर की शेप में बना के हम इसे नीचे से अच्छे से जोड़ देंगे ताकि हमारी घुघुती फ्राई करते हुए खुले नहीं। देखिए फ्रेंड्स, बन गई ना कितनी अच्छी शेप। अब मैं यहाँ पे आपको एक और शेप बना के दिखाती हूँ। इसी तरह हम अपने हाथों से इसको रोल करेंगे और लंबा लंबा रोल करेंगे। थोड़ा सा लंबा रोल करना है हमें यहाँ पे, और इसको एक व्हील की तरह हम राउंड राउंड करते हुए अंदर तक फोल्ड करेंगे और इसको नीचे से टक कर देंगे। फ्रेंड्स, ये घुघुती उत्तराखंड में मकर संक्रांति के अवसर पर बनाई जाती है। इसे बनाने का मेन उद्देश्य ये होता है कि ये गुड़ और आटे से बनती है और गुड़ और आटा सर्दियों में खाना बहुत ही अच्छा होता है। अब मैं आपको एक और डिज़ाइन दिखाती हूँ। यहाँ पे आप आटे की एक लोई सी बनाएंगे और एक चपाती की शेप में उसको रोल करेंगे। हमें यहाँ पे चपाती की तरह पतला नहीं, थोड़ा सा मोटा रोल करना है। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे नाइफ या फिर पिज़्ज़ा कटर की सहायता से इसको काटेंगे डायमंड शेप में। फ्रेंड्स, जैसे हम नमक पारे बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही आप इसको अपने हिसाब से किसी भी शेप में काट सकते हैं।
फ्रेंड्स, ये वाली जो शेप है ये बनाने में बहुत ही इजी है। अगर आपको यही शेप अच्छी लगे तो आप यही बना लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये कुछ डिज़ाइंस हैं जो उत्तराखंड में फेमस हैं घुघुती के लिए। इसके अलावा आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे मकर संक्रांति के अवसर पर ही बनाएं। आप सर्दियों में बच्चों के लिए ये कभी भी बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी है। मैंने यहाँ पैन में तेल गरम करने रख दिया है। हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें अपनी घुघुती डालेंगे तलने के लिए। अब हम अपनी गैस की फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे ताकि हमारी घुघुती अंदर से कच्ची ना रह जाए और बाहर से जल ना जाए। अब हम इसे एक बारी धीरे धीरे से पलटेंगे। हमें यहाँ पे बहुत तेज़ी से काम नहीं करना है वरना घुघुती टूट सकती है। हमें यहाँ पे धीरे धीरे एक एक करके ही इसको पलटना है। हमें यहाँ पे घुघुती को मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। हमें यहाँ पे 5 से 6 मिनट लगेंगे एक बैच को निकालने में। देखिए फ्रेंड्स, हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक निकालना है। देखिए कितना ही लाजवाब कलर आया है इस पे। इस तरह हम सभी घुघुती को तल लेंगे और एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, ये आटे और गुड़ से बनाया हुआ बहुत ही हेल्दी स्नैक्स की रेसिपी है। उत्तराखंड में ये मकर संक्रांति के अवसर पर बनाई जाती है, तो इस बार आप भी बनाइए मकर संक्रांति पे उत्तराखंड की स्पेशलिटी घुघुती। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।